अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारगर। आज हम करने जा रहे हैं बॉटनी सेक्शन के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं। सेल यूजेस डैश टू मेक प्रोटीन, चैप्टर नंबर 6 की एक हेडिंग है ये। सेल यूजेस आरएनए टू मेक प्रोटीन। इफ़ अ सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द सेल सॉल्यूशन, इट इज सेड टू बी। अब मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, एक बात आपको समझ जाए, अगर आप समझ गए तो आपके लिए एमसीक्यू आसान है, बहुत हल्का एमसीक्यू है ये। देखिए, हाइपर का मतलब क्या होता है? अबव, ज़्यादा। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, कम। यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन सेल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से कम है, लो कंसंट्रेशन है। तो जब कम होगी तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर सक्यूलेंट प्लांट्स आर कॉमनली ग्रुप्ड इन ज़ेरोफाइट्स। सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ ज़ाइलम, फ्लोएम एंड स्टील आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आपके मॉडल पेपर में जो एमसीक्यू पोर्शन है वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, आपको अपना आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ज़ाइलम, फ्लोएम एंड स्टील लिखा हुआ है, इन्होंने जो राइट आंसर है वो अपने एमसीक्यू में ही लिख दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में हम स्टील ही टिक करेंगे जो कि करेक्ट आंसर है। फिर माइमोसा प्यूडिका शोज द फॉलोइंग मूवमेंट, सीस मोनास्टिक मूवमेंट। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय 24 आवर्स फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड एज। अब यहाँ पर देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक एक सिस्टम पढ़ा था आपने, उसमें आपने दो किस्म के, एक बायोरिदम और एक सर्कैडियन रिदम पढ़े थे। बायोरिदम के बारे में एक लाइन लिखी हुई थी कि इट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और सर्कैडियन रिदम के बारे में लिखा हुआ था इट अकर्स इन 24 आवर्स फ्रिक्वेंसी। तो सर्कैडियन रिदम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर द आइडियल सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज़ लोम। ये मेरा ख्याल है जब आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे ना, तब भी आपके सामने ये आपके जो लैब अटेंडेंट हैं उन्होंने दिया होगा लोम, डिफरेंशिएट करने के लिए लोम, क्ले और वगैरह। अच्छा, उसके बाद फिर इंडिविजुअल स्पीशीज लेवल अप्रोच ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड ऑर्टिकोलॉजी। द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीज इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। सिमिलर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हु कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड फॉर्म अ स्पीशीज। सिमिलर ग्रुप्स हैं तो स्पीशीज आ गया। ये मैं आपको ऐसे क्लू दे रही हूँ कि आप जब एमसीक्यू ये वाला अगर आपके बोर्ड के पेपर में आए तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आपको बस याद हो कि हाँ भाई क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ था। द सी बिलो 2000 meters having no light, तो जहाँ पर कोई लाइट ना आ सके वो होता है एबिसल जोन। फिर इन ग्रास लैंड द बायोम्स द रेन फॉल इज यूजुअली बिटवीन 30 to 75 centimeter। डैंडेलियन प्लांट शोज फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस। प्लांट्स हैविंग स्टेमिनेट फ्लावर कैंट परफॉर्म द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने बताया था मॉडल पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें जिनकी करेक्शन ज़रूरत की ज़रूरत है। तो जैसे कि यहाँ पर है सेल्फ पोलिनेशन और पार्थेनोकार्पी, दोनों ही आंसर्स हैं, तो ये आपके इल्म में आना ज़रूरी है कि दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। जब पेपर में होगा तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, तो इनमें से कोई एक मौजूद होगा आप टिक लगा दीजिएगा। फिर द एम्ब्रियो ऑफ ग्रास सीड इज इनक्लोज्ड बाय अ शीट कंसिस्टिंग ऑफ कॉलराइजर विच कवर्स द रूट। उसके बाद फिर ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यूज कैपेबल ऑफ डिवीजन आर टर्म्ड एज मेरिस्टेम। फिर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 20 angstrom। अब इस एमसीक्यू के आप इम्पॉर्टेंस समझिए कि ये जो एमसीक्यू है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के हवाले से, ये आपको जो मैंने प्रैक्टिकल सेंटर का कराया, जो मैंने खातून पाकिस्तान का कराया, और अब मॉडल पेपर, तीनों में ये मौजूद है। इसके बाद
At what stage of mitosis are chromosomes arranged along a plane at the middle line of the cell? Middle line of the cell. एक ही फेज होता है मेटाफेज. फिर आपके पास आता है अ डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इज. हर जो आपके पास माइटोसिस है मियोसिस है हर सेल डिवीजन में आपके पास स्पिंडल फॉर्मेशन होती है स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं लेकिन वाहिद ए माइटोसिस सिर्फ ए माइटोसिस ऐसा है कि जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है. यहाँ पर सेल्स पहले न्यूक्लियस डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और सेल बन जाता है लेकिन स्पिंडल फॉर्मेशन वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती. टोटल एग्रीगेट ऑफ द जीन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल. अब यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज़ का पोर्शन ख़त्म हुआ. अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और अगर आपके पास सेकेंड ईयर का किसी भी कॉलेज का पेपर है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताऊँगी. अल्लाह हाफिज़.